एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? हो करते आप सब अच्छे होंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब ठीक हूँ, क्योंकि जो है ना, मेरा पिछले 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड आ रहा हो रखा था, फीवर आ रखा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे, मतलब 2 दिन हो गए ब्लॉग नहीं आया, क्या हुआ? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है पूरी कंप्लीट तरीके से। लेकिन हाँ, यह है कि पहले से बेटर है। और बच्चे सो रहे थे, देखो आयरा सो रही है वहाँ पे। मेहंदी लगा रही हूँ मैं अपने, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बात करती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेटर है, मेरी तबीयत अफान सो रहे हैं वहाँ पे। लाइट ऑफ कर रखी है मैंने इसीलिए, क्योंकि लोग जो है ना उड़ जाएंगे और फिर मैं ना मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। और आज हो गई है चांद रात, तो आज तो है ही, जैसे कल की तो ईद है ही, रात को चांद दिख ही जाएगा। तो अभी ना अफान उड़ गया था और बहुत मुश्किल में एकदम सोया, एकदम उड़ गया था। मैं तो कह रही अभी फिर की मेहंदी लगी और मैं अकेले ही मेहंदी की उस पर निकल पड़ी हूँ लगाने के लिए। अपनी आप ही लगा रही हूँ अपने पैरों पे, मैं दिखाती हूँ अभी बैक कैमरे से आपको। एक पैर पे लगा लिए, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर मैं नेक्स्ट पैर पर, फिर दूसरे पैर पर मैं फिर लगाऊँगी। तो बच्चे सो रहे हैं, जल्दी फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ, तब तक सूख जाएगी मेरी मेहंदी। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी आपने देखा मैंने एक पैर पे मेहंदी लगा लिया, कंप्लीट कर लिया, दूसरे पैर पे लगाती हूँ। चलिए तो गाइज, यहाँ पर मैं अपने आप खुद ही मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी और कोई था होता नहीं है। देखो फिर खुद से ही करना पड़ता है और मुश्किल होता है दोनों हाथ पैरों पे खुद से लगाना, लेकिन हाँ ये लगा लिया था जैसे भी हुआ। बस हाथ पैर तो ईद की खुशी इतनी थी, बस रचाई लिए थे जैसे भी, और बस एक पैर पे लग गई थी। बस इस उल्टे पैर पे तो लगा ली थी आराम से, सीधे पैर पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो बस यहाँ पे मैं लगाने लगी उस पर भी। और मेहंदी भी मैंने ज़्यादा कुछ उसको मतलब वो नहीं करा, डीप करके मेहंदी नहीं लगाई कुछ, या बहुत ज़्यादा ब्राइट मेहंदी नहीं लगाई। बस मैंने खाली कंगूरे वाली जो बोलते हैं ना वो लगाई, कंगूरे बनाए इसके, और बस प्लेन मेहंदी करके लगाई। और मुझे जो है ना ज़्यादा यही पसंद है मेहंदी, मतलब ज़्यादा मतलब कड़ी हुई बहुत ज़्यादा डीप मेहंदी मुझे नहीं पसंद है। मैं ज़्यादा मतलब आपने देखा भी होगा, बहुत लोग मतलब लगाते हैं डीप, ऊपर भी लगाते हैं मतलब पैर के और बहुत ज़्यादा ऊपर तक मेहंदी। मुझे ना हाथ पे ज़्यादा मेहंदी पसंद ना मतलब पैरों पे। बस ये ईद की खुशी थी तो बस थोड़ा बहुत ये कि रच गए पैर। और यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ ना, मुझसे मतलब सीधे पैर पे ठीक से बन नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी और मैंने बनाए अच्छे से करके बनाए थे मैंने, ऐसे नहीं है, मैंने लगा ली थी खुद से मेहंदी। तो यहाँ पे बस एक पैर पे लग गई थी और बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो लगा लेते। बच्चों को बहुत मुश्किल में सुलाया मैंने, मैंने कहा ये सो जाएंगे तभी मैं लगा पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं लगा पाऊँगी। बिल्कुल शांति में अकेले में बैठ के मेहंदी लगा रही थी अपने, मैंने दोनों पैरों पे अपनी मेहंदी लगाई, कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने फिर अपने ये हाथ पे मेहंदी लगाई। लेकिन बस ये है कि हाथ मेरे सुने नहीं रहे, पैर सुने नहीं रहे, लगा ली थी मैंने जैसे भी लगी। अब मैं बस इस तरफ लगा रही हूँ। तो गाइस मेरी मेहंदी लग गई है, पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो गई है और मैंने लगा ली, बच्चे रहे सो इसलिए मैंने जल्दी फटाफट से लगा ली। और आज ये चांद रात, चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ कल तो ईद है ही, फाइनल चांद दिख ही जाएगा आज इंशाल्लाह, और चांद रात हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और पैरों की मेहंदी मेरी डन हो गई एकदम, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से ना। तो ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लगी, मैंने फाइनली कंप्लीट कर ली अपनी पैरों की मेहंदी, बताना कैसी लगी। तो अभी एक पैर की तो मेरी सूख गई है अच्छे से, और ये वाली जो अभी लगाई है ये गीली है, तो जब तक ये सूखती है तो फिर एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट कर लेती हूँ, एक हाथ पे लगा लेती हूँ, फिर एक हाथ पे ना रात को लगाऊंगी। चलो मैं लगाती हूँ एक हाथ पे मेहंदी, जल्दी से शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं ना, अभी लग जाएगी तो लग जाएगी, फिर नहीं लग पाएगी। फिर पैरों की मेहंदी लगाने के बाद आपने देखा जैसे वीडियो में, फिर मैं यहाँ पे ना हाथ की मेहंदी लगाने बैठ गई। मैंने कि जब तक एक हाथ पे भी लगा ही लेती हूँ, फिर एक हाथ रह जाएगा उसका बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बस मैं हाथ की मेहंदी लगाने लगी अपने बैठकर, और ज़्यादा कुछ नहीं अपने हाथ, बस अपने हाथ पे तो लगा ही लेंगे, तो बस ये सूना नहीं रहेगा हाथ भी, और एक हाथ रह जाएगा उसको फिर मैं बाद में देख लूँगी, एक हाथ तो हो ही जाएगा ना कवर।
तो बस पैरों की कंप्लीट हो गई थी, और लगाते लगाते ना मैं पंखे के नीचे बैठी थी, आप ना वीडियो में देख भी रहोगे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है जन जन की, तो पंखा चल रहा था, जस्ट पंखे के नीचे बैठी थी ताकि मेरी मेहंदी जल्दी सूख जाए ना, क्योंकि फिर अगर अफ़ान उठ गया तो फिर तो मेरी सूखे या ना सूखे मुझे तो मेहंदी मतलब उसको लेना ही पड़ेगा मुझे उसे, और मेहंदी चाहे फिर मेरी बिगड़े वो क्या ही कर सकती हूँ। पर ये अल्लाह का शुक्र अफ़ान सोते रहे और मैंने इस बीच मेहंदी बहुत अच्छे से लगा ली अपनी, और फिर मैंने जल्दी से फटाफट से हाथ की भी लगा ली, और लगा रही थी और हाथ क्या सूखती जा रही थी, बहुत ज़्यादा पंखा हवा तेज़ दे रहा था। तो चलिए पहले मेहंदी कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जो ना अभी मैं ट्राइपॉड में फ़ोन सेट कर लेती हूँ लेकिन ट्राइपॉड ऊपर रखा है और मैं लगा नहीं पाई उसको, तो अब पैर में मेहंदी लग रही है कैसे उतारूँ। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दिखती तो स्टार्ट कर ही दी, ये देखिए तो चलिए लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो गाइज मेरी मेहंदी लग गई है, फाइनली कंप्लीट हो गई है, पैर की भी हाथों की भी, और ना इस बीच आयरा भी उठ गई थी तो अफ़ान भी उठ गया, ये देखिए मैंने लिखा है ईद मुबारक, और ये मेरी मेहंदी है। बताना प्लीज़ कमेंट करके क्या सी लगी आपको मेरी मेहंदी, और ये मैंने खुद से लगाई है, जैसी मुझे आती है छूट भी गई। मेहंदी लगा लिया, पैरों की भी लगा लिया, तो फाइनली मेहंदी लग गई और आयरा भी उड़ गई। देखो आयरा बोल रही है मुझे भी लगानी है, जब तुम सो जाओगी ना रात को तब लगाऊंगी, क्योंकि अभी तुम बिगाड़ लोगी। इसी बार अब आनू भी जग गए हैं, आनू भी जग गए हैं, आनू तो मेहंदी भी लग गई है, और बज रहे हैं तीन साढ़े तीन, तो बज रहे हैं चार पूरे, और मेहंदी भी लग गई है मेरी कंप्लीट, सूख जाएगी मैं छुटा लूंगी थोड़ा सा ना, मैं इसको ऑयल लगाया क्योंकि इतनी जल्दी सूख गई, पंखा चल रहा है बहुत तेज, इतनी जल्दी सूख गई, लगाते लगाते सूख गई सारी, झड़ रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा तेल लगा लिया। तो गाइस मेहंदी गई है मेरी सूख, और पूरे घर में मेहंदी मेहंदी हो रही है, आयरन ना बार बार ऐसे कर रही है, मतलब लेट रही है ना इसके, तो कभी यहाँ लग रही है कभी वहां लग रही है, जबकि मैंने बिल्कुल यहाँ बैठ के मेहंदी लगाई हूँ, यहीं बैठ के मेहंदी हटा रही हूँ, तो ये छुटा रही हूँ मैं मेहंदी, देखिए तरह तक पहुंच गई है ना, तो इसको वो लग रही है आनू इधर लेटा है, देखिए यहाँ पे सब छुटा लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी सारी सारी, आयरा मेरी मदद करवा रही ना छुटवाने में, मैं छुटा लूंगी रहने दो, तुम क्या नाम है वो मत करो बार बार ना, अभी फिर झाड़ू लगा दूंगी सारे में, चलिए मैं छुटाती हूँ मेहंदी। तो गाइस यहाँ पे फिर शाम को टाइम हो गया था मगरिब का, मैंने सब बना लिया था, और देखो ये बस रमज़ान की आखिरी इफ्तार है, हम लोग साथ में बैठ के कर रहे थे, शो भी आ गए थे उस दिन जल्दी, मतलब शाम में जल्दी आज, तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के जो है ना इफ्तार कर रहे हैं, और बस ये लास्ट इफ्तार है हमारी, रमज़ान चले जाएंगे यार, अच्छे दिन चले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी है, और फिर खुशी तो ईद की है ही है, बट यार रमजान ये देखो जला कितनी प्यारी, बेटा दिखाओ सही से दिखाओ, पास से पीछे से दिखाओ ऐसे करके, मेहंदी दिखाने में भी इस लड़की को आफत आ रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मेरी मेहंदी भी रच गई, मैंने रात को ही मेहंदी धो ली थी अपनी मतलब, और ना फिर बिस्तर में ना बहुत ज्यादा मेहंदी मेहंदी हो जाती है, फिर नींद भी नहीं आ पाती ठीक से ना, वो चुभती है फिर लेटो, तो मैंने रात को मेहंदी सारी छुटा दी थी, साफ कर दी थी हाथ की भी पैर की भी, और आयरा के मैंने जबरदस्ती मेहंदी लगाई, देखा भी आपने, और दिखा भी नहीं रही है अपनी मेहंदी, और आज हो गई है ईद, तो बस मैं व्लॉग इतना ही रखती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी आपको पता है ठीक नहीं है, पिछले दो था, और आयरा ने भी जबरदस्ती मेहंदी लगाई, गाइस लगवाई उसके, मैंने जबरदस्ती लगाई मेहंदी उसके, खाती नहीं अपनी मेहंदी जबरदस्ती इस लड़की ने मेहंदी तो लगवाई, जबरदस्ती लगाई वो भी मैंने, और बोल रही दिखा तो दिखा नहीं रही है, भाग रही है, तो शो भी ना रहे, नमाज का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 7 और 7 बज रहे हैं, गाइस आज है ईद, और मैंने सोचा चलो दो दिन से आप देख ही रहे हो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, दो तीन दिन से बोल के,
और फिर मैंने कहा चलो चांद रात की तो भाई बनाते ही हैं, बस जैसे भी बनी छोटी मोटी मैंने बस आप लोगों के साथ शेयर करी। और आज ईद हो गई, मैंने कहा चलो व्लॉग इतने रखते हैं, फिर आज से नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे ईद का। तो मेहंदी मेरी भी देखो रच गई है ना, और पैरों की भी देखो, आपको दिखाती हूँ पैरों की भी। मेहंदी भी मेरी हो गई थी, मैंने रात को ही सारी धो के सोई थी क्योंकि फिर ना मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और मैं रात में गई थी अपना थोड़ा फेस क्लीन वगैरह कराने के लिए ना, बस मैंने ज्यादा कुछ नहीं कराया, फेशियल नहीं कराया पूरा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस स्क्रब वगैरह कराया था और थ्रेड करवाई थी आईब्रो, बस वही। और चलिए आज है ईद, तो आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, फन यही। तो चलिए फिर करते हैं इस व्लॉग का एंड, सो भी नमाज के लिए निकल रहे हैं। फजर की नमाज पढ़ने गए थे, वो फजर की नमाज पढ़ के जब से वो आए नहीं, अभी आए, अब बोल रहे हैं कि बस जा ही रहा हूँ नमाज के लिए। तो आज हो गई ईद, तो चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं अच्छी अच्छी वीडियो दूंगी आपको, कोशिश कर रही हूँ। बस थोड़ी मेरी तबीयत डाउन थी, इस वजह से मैं ना व्लॉगिंग नहीं कर पाई 2-3 दिन से। और इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी मैं दूंगी ईद वाला, और आज ईद हो गई है। तो चलिए इस व्लॉग को इतने ही रखते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ईद व्लॉग में। और आज फिर ये वाला अपलोड करने के बाद जल्दी से फिर मुझे दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करना है ना ईद का। तो चलिए बच्चों को भी रेडी करना है, फन भी खेल रहा है, फन को नहाला है, और फिर किचन में भी खाने पीने का बन रहा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।